के किसानों से आग्रह करना चाह रहा हूं और कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से गाजीपुर के अंदर किसान का अपमान किया गया, जिस तरह से टिकैत साहब के साथ यूपी की पुलिस ने व्यवहार किया, हमें शांत प्रिय ढंग से कैसे इस आंदोलन को जीतना है, इसके लिए बड़ी संख्या में जहां ये प्रचार और प्रसार फैलाया जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब किसान आंदोलन खत्म हो रहा है, इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आप बड़ी संख्या में टिकरी के बॉर्डर पे, सिंगू के बॉर्डर के ऊपर, आप गाजीपुर के बॉर्डर के ऊपर पहुंचो। मैं कल अम्बाड़ा से चलूंगा और अम्बाड़ा से चल करके सुबह 9 बजे मैं भी 12 बजे कल गाजीपुर पहुंचूंगा। मैं यकीन करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप बहुत बड़ी संख्या में वहां पे पहुंचेंगे और एक बड़ी जिम्मेवारी को निभाने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश के किसान ने हमेशा पूरे देश के किसान का साथ देने का काम किया। हरियाणा प्रदेश चौधरी देवीलाल का लगाया पौधा है और चौधरी देवीलाल ने ताव उम्र किसान की लड़ाई को लड़ने का काम किया। आज किसान के ऊपर बड़ा भारी संकट है, इस घड़ी में हरियाणा प्रदेश के किसानों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। मैं जहां पार्टी के एक कार्यकर्ता से इस बात का आह्वान करता हूं, वहीं हर उस व्यक्ति से जो खेती से जुड़ा हुआ है, जो अपने आप को किसान कहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, आज उसे राजनीति से ऊपर उठ करके इस किसान की लड़ाई में एकजुट होकर के केंद्र की सरकार ने इसने 3 काले कानून बना करके हमें कहीं कमजोर करने की कोशिश करी, वो अपने किए हुए बनाए हुए 3 कानूनों को वापस लेने का काम करे और किसान को फिर से सम्मान मिले, किसान को फिर से बहुत इज्जत मिले, क्योंकि आज इस अन्नदाता की वजह से इस देश का नाम कहीं दुनिया में जाना जाता है। आज अगर अन्नदाता ना होता है तो फिर भारतवर्ष जो कृषि प्रधान देश नहीं कहलाता, फिर ये देश किन्हीं और हाथों में होता। आज तो टोटल इस देश को खेती के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए आज किसान की कोई अनदेखी करे, किसान के साथ कोई धोखा करे, उस लड़ाई में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा, भरोसा करूंगा सब कि बहुत बड़ी संख्या में आप पहुंचोगे और केंद्र की सरकार को इस बात के लिए मजबूर करोगे। तब तक इस आंदोलन का हिस्सा बनकर के रहोगे जब तक केंद्र की सरकार अपने गलत किए फैसले को वापिस ना ले ले और जो किसानों के ऊपर गलत तरह से मुकदमे बनाए गए, नेताओं पर जो बनाए गए, वो मुकदमे वापिस हों। इस लड़ाई को तब तक जारी रखोगे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप